शहर में बीती गुरुवार रात में अज्ञात बदमाशों ने शहर के नामी टाइल्स व्यापारी का शोरूम से घर जाने के दौरान अपहरण कर लूट की वारदात को अंजाम देकर व्यापारी को शहर के बाहर उदयपुर रोड राष्ट्रीय राजमार्ग पर छोड़कर फरार हो गए। जानकारी मिली है कि बदमाश जाते जाते व्यापारी को इस संदर्भ में पुलिस अथवा किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दे गए। जानकारी मिली है कि लुटेरे व्यापारी के बैग में रखी लाखों रुपए की नकदी के साथ उसकी गले में पहने सोने की चेन तथा हाथ से अंगूठी उतार कर ले गए। अपहरण की घटना तथा बदमाशों द्वारा दी गई धमकी से सहमा व्यापारी घर तो पहुंच गया, लेकिन रात के समय किसी को भी वारदात की जानकारी नहीं दी। पीड़ित के साथ घटित घटनाक्रम की जानकारी सूत्रों से पुलिस को मिली तो डिप्टी मनीष चौधरी ने पीड़ित व्यापारी के घर पहुंचकर वारदात की जानकारी लेते हुए व्यापारी को साथ लेकर वारदात स्थल की तस्दीक की। साथ ही पुलिस ने घटनास्थल तथा वारदात के मार्ग पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाल रही है। जानकारी के अनुसार शहर के अजमेर रोड बैंक कॉलोनी गली नंबर 1 निवासी भगवती प्रसाद पुत्र रामदयाल अग्रवाल के अजमेर रोड पर गजानंद टाइल्स के नाम से शोरूम है। गुरुवार शाम को भगवती प्रसाद शोरूम से अपने एक्टिवा स्कूटर पर सवार होकर तथा अपने 7 दिन भर की बिक्री का राशि एक बैग में भर कर घर के लिए रवाना हुए थे। शोरूम से निकल कर सड़क पर आते ही रास्ते में खड़े एक वर्दीधारी व्यक्ति ने उन्हें हाथ देकर थोड़ा आगे छोड़ने के लिए लिफ्ट मांगी। वर्दी में होने के कारण भगवती प्रसाद अग्रवाल ने अपना स्कूटर रोक उसे बैठा लिया। बताया जा रहा है कि वे थोड़ी ही दूरी पर गए थे कि सामने से एक स्कॉर्पियो गाड़ी तेज गति से आकर उनके स्कूटर के आगे रुकी। अग्रवाल कुछ समझ पाते उससे पहले ही स्कॉर्पियो गाड़ी से उतरे 3 लोगों ने उन्हें नोटों से भरे बैग सहित उठाकर गाड़ी में पटक लिया और गाड़ी लेकर अजमेर रोड के पीछे के रास्ते से होते हुए उदयपुर रोड बाईपास की ओर भाग छूटे। बताया जा रहा है कि लुटेरों ने उदयपुर रोड स्थित पेट्रोल पंप के यहां पहुंचकर अग्रवाल से रुपयों से भरा बैग छीन लिया तथा गले में पहनी सोने की चेन हाथ की अंगुलियों में पहनी सोने की अंगूठी उतरवा ली। इस दौरान लुटेरों ने घटना के बाद बारे में किसी को भी बताने की सूरत में जान से मारने की धमकी देते हुए अग्रवाल को गाड़ी से नीचे उतार कर वहां से भाग गए। डरे सहमे पीड़ित अग्रवाल जैसे तैसे कर रात के समय अपने घर पहुंचे। शुक्रवार सुबह टाइल्स व्यापारी के साथ घटित अपहरण तथा लूट की जानकारी के बाद हरकत में आए पुलिस विभाग ने व्यापारी से संपर्क कर अज्ञात लुटेरों की तलाश शुरू की। उधर शहर में टाइल्स व्यापारी के साथ हुई अपहरण तथा लूट की घटना शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस संदर्भ में सिटी थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह जोधा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि टाइल्स व्यापारी भगवती प्रसाद अग्रवाल के साथ अपहरण तथा लूट की वारदात हुई है, जिसमें लुटेरे करीब 8 से 10 लाख रुपए लूट ले गए हैं। जोधा ने बताया कि वारदात के दौरान लुटेरों ने अग्रवाल के फोन से ही उनके बेटे को फिरौती की राशि देने की धमकी दी थी, लेकिन उसके बाद उनकी तरफ से दोबारा और कोई कॉल नहीं आया है। फिलहाल पुलिस वारदात की जांच कर रही है। भगवती प्रसाद जी अग्रवाल जो आदर्श नगर ब्यावर के रहने वाले हैं, उनकी एक फर्म जो अजमेर रोड पे है, वहाँ से वो हमेशा की तरह शाम को अपने शोरूम से, टाइल्स का शोरूम है जहाँ से कलेक्शन लेके घर आ रहे थे। रिको बैंक ऑफ बड़ौदा के आगे उनको एक वर्दीधारी व्यक्ति ने रुकवाया, स्कूटी से लिफ्ट मांगी। लिफ्ट मांगने के थोड़ी देर बाद ही एक स्कॉर्पियो गाड़ी आई जिसमें 3 व्यक्ति उनको अपहरण करके ले गए। उनके साथ लूटपाट की घटना हुई है। 9-10 लाख रुपए उनका दिन भर का जो कलेक्शन था वो लेके चले गए। इनको बाद में उदयपुर चुंगी नाके के पास छोड़ दिया। उनको एक फोन उनके फोन से ही करवाया गया, भैया आपके पिताजी का अपहरण कर लिया है, आप पैसे की व्यवस्था करो। उसके बाद उन्होंने दोबारा वापस फोन नहीं किया। खुशी केक एंड पेस्ट्री आपके बर्थडे पार्टी व यादगार उत्सवों के लिए प्राकृतिक रंगों से बनी एगलेस केक, लव केक, स्ट्रॉबेरी केक, चॉकलेट केक, रेड वेलवेट केक, चीज केक, वॉलनट केक, शुगर फ्री केक और भी केक की अनेक वेराइटियाँ। साथ ही नायाब चॉकलेट व गिफ्ट हैम्पर, बर्थडे डेकोरेशन आइटम और लजीज चॉकलेट पिज्जा, साथ ही लजीज पेटीज, बिस्कुट और टेस्टी शेक और आइसक्रीम के साथ बैठने की उत्तम व्यवस्था। बर्थडे और पार्टी के लिए हॉल की बेहतर सुविधा के साथ तो आज ही चले आए खुशी केक एंड पेस्ट्री, अरिहंत कॉम्प्लेक्स के पास, कॉलेज रोड, ब्यावर। मोबाइल नंबर 8890103504।